नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे कक्षा एक विषय हिंदी में चार वर्णों वाले अमात्रिक शब्द। सबसे पहले हमने जो कहानी पढ़ी थी उसका नाम था नन्ना खरगोश। ये कहानी हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने पढ़ा था वर्णमाला। वर्णमाला यानी कि वर्णों की पहचान की थी, स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, ये पढ़ चुके हैं हम। फिर हमने दो वर्णों वाले शब्द पढ़े थे। फिर हमने तीन वर्णों वाले अमात्रिक शब्द पढ़े। तीन वर्णों यानी मटर, ये कितने वर्ण के हो गए? तीन वर्णों के। तो ये हम अमात्रिक शब्द पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे चार वर्णों वाले अमात्रिक शब्द, यानी कि चार वर्ण के बिना मात्रा के शब्द। अमात्रिक यानी बिना मात्रा के, जिसपे कोई मात्रा नहीं रहती। देखिए और समझिए। ये देखो किसका चित्र दिख रहा है हमें? अजगर का। तो अजगर को किस प्रकार देखो, अ धन ज धन ग धन र, तो मिलके क्या हो गया? अजगर। फिर देखो ये हमें क्या दिख रहा है? बर्तन। तो बर्तन को किस प्रकार लिखा जाता है? ब धन र धन त धन न, तो क्या हो गया? बर्तन। फिर देखो ये किसका पेड़ दिख रहा है? बरगद का। तो इसमें ब धन र धन ग धन द बराबर बरगद। इस प्रकार हम चार वर्णों वाले अमात्रिक शब्द पढ़ेंगे। ये देखो हमें किसका चित्र? शलगम। शलगम है ये, तो श धन ल धन ग धन म शलगम। फिर हम अचकन, ये क्या दिख रहा है हमें? अचकन। तो अ धन च धन क धन न अचकन। यह हमें क्या दिख रहा है? खटमल। तो इसको पढ़ेंगे ख धन ट धन म धन ल, तो ख ट म ल, तो मिलके चार वर्णों से मिलके एक शब्द बना, वो क्या हो गया? खटमल। इस प्रकार हम पढ़ेंगे। पढ़िए और समझिए। ट, अब देखो ये भी चार वर्णों वाले शब्द है, तो हम इसको इस प्रकार पढ़ेंगे। पहले एक ही वर्ण को पढ़ेंगे, फिर साथ में पढ़ेंगे। ट म ट म टम टम, च म च म चम चम, छ म छ म चम चम, स र ग म सरगम, स र क स सर्कस, ब र ग द बरगद, अ म र स अमरस, ज ग म ग जगमग। फिर क ट ह ल कटहल। फिर पढ़ेंगे ख ट म ल सॉरी ख ट ख ट खटखट। फिर हम पढ़ेंगे ख ट प ट खटपट। फिर पढ़ेंगे झ ट प ट झटपट। फिर पढ़ेंगे न ट ख ट नटखट। फिर पढ़ेंगे प र व ल परवल। फिर पढ़ेंगे म ल म ल मलमल। फिर पढ़ेंगे म ख म ल मखमल। फिर पढ़ेंगे ह ल च ल हलचल। फिर द म क ल दमकल। इस प्रकार आपको चार वर्णों वाले अमात्रिक शब्द पढ़ने हैं। अब देखो ये नीचे जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसको हम बोल बोल कर पढ़ेंगे। तो बोल बोल कर पढ़िए। ये देखो अकबर, अ क ब र अकबर, झ ट प ट झटपट, प ढ पढ़ अकबर झटपट पढ़, प ढ क र पढ़कर, म त ल ब मतलब, स म झ समझ पढ़कर मतलब समझ, न ठ ख ट नटखट, म त मत ब न बन नटखट मत बन, भ ग द ड भगदड़, म त मत क र कर
बंठन कर कर अ ब अब स र क स सर्कस च ल चल बंठन कर अब सर्कस चल फिर ब स बस प र पर च ढ क र चढ़कर च ल चल बस पर चढ़कर चल फिर म न ह र मनहर त न व र तनवर अ क ब र अकबर ख ट प ट खटपट म त मत क र कर मनहर तनवर अकबर खटपट मत कर श र ब त शरबत च ख चक शरबत चख अ म र स अमरस च ख चख अमरस चख ब त ख बतक म त मत प कड़ पकड़ बतक मत पकड़ अ ब अब घ र घर च ल चल स र प ट सरपट स ड क सड़क प र पर च ल चल सरपट सड़क पर चल। इस प्रकार हमने चार वर्णों वाले अमात्रिक शब्द पढ़े, तो हमें इसी प्रकार पढ़ना है, एक एक वर्ण को पढ़ना फिर साथ में पढ़ना, इस प्रकार हमारी अभ्यास हो जाएगा पढ़ने का। अब हम पढ़ेंगे चार वर्णों के अभ्यास प्रश्न जो इससे मौखिक बोलकर पढ़िए। ये जो चार वर्णों वाले शब्द है उनको बोलकर पढ़ना है। तो पहला शब्द झ ट प ट झटपट स र क स सर्कस अ म र स अमरस श र ब त शरबत क स र त कसरत भ ग द ड भरगत सॉरी भगदड़ ख र ख ट प ट खटपट। इस प्रकार आपको बोल बोल कर पढ़ना है। फिर लिखित प्रश्न एक, चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए। ये देखो हमें किसका चित्र दिख रहा है, कटहल का, तो इसमें क लिखा हुआ है ह लिखा हुआ है, तो हमें बीच के शब्द है ना वो गायब है यानी कि मिसिंग है। तो क बोलने पे किसका उच्चारण होना है, कटहल, तो क तो लिखा हुआ तो हम क्या लिखेंगे ट है लिखा हुआ तो क्या लिखेंगे ल, तो इस प्रकार पूरा शब्द बन गया कटहल। फिर देखो हमें ये किसका चित्र दिख रहा है, दमकल, किसका चित्र दिख रहा है हमें, दमकल का, तो द म क ल दमकल। फिर ये हमें क्या दिख रहा है, थर्मस, क्या दिख रहा है, थर्मस, तो थ लिखा हुआ है तो थ र म स, तो क्या हो गया थर्मस। इस प्रकार हमें शब्दों को लिखकर वर्णों को लिखकर शब्द पूरा करना है। प्रश्न नंबर दो, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए, यानी कि ये जो वर्ण लिखे हुए हैं इनको जोड़कर एक शब्द बनाना है, जैसे स धन ल धन ग धन म, जिस प्रकार हम एक एक वर्ण को पढ़ते हैं श ल ग म, तो मिलके क्या पूरा पढ़ेंगे तो साथ में क्या हो जाएगा सलगम, तो इसको इस प्रकार साथ में लिखेंगे श ल ग म शलगम। इसी को भी इस प्रकार लिखेंगे स र क स सर्कस, तो इन शब्दों को साथ में लिखेंगे सर्कस। फिर लिखेंगे म ल म ल मलमल, तो इसको भी साथ में लिखेंगे मलमल। ज धन ग धन म धन ग, तो मिलके क्या हो गया जगमग। फिर हम पढ़ेंगे अ धन क धन ब धन र अकबर, तो मिलके एक शब्द बन गया, क्या शब्द बना अकबर।
फिर छ धन म छम छम, तो पूरा मिलके क्या हो गया, छम छम। इस प्रकार हमने वर्णों को जोड़ जोड़ कर शब्द बनाए, शब्द बनाना है हमें इस प्रकार, जैसे कि स धन ल धन ग धन म, तो इसको साथ में लिखना है पूरे वर्णों को। जब पूरे वर्णों को साथ में लिखेंगे तो एक शब्द बन जाएगा जिसका नाम होएगा सलगम। अब हम पढ़ेंगे रचनात्मक क्रियाकलाप। चित्र देखकर शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। ये देखो हमें चित्र दिखाई दे रहा है, ये एक शब्द सीढ़ी है जिसमें कुछ वर्ण लिखे हुए हैं। अब हमें इसमें वर्ण जोड़कर शब्द बनाने हैं। जैसे कि ये हमें किसका चित्र दिख रहा है, बस का। अब ब तो लिखा हुआ है तो इसमें क्या लिखेंगे, स, तो बस हो गई। अब इसमें ड लिखा हुआ है तो यहाँ पे किसका चित्र दिख रहा है हमें, सड़क का। तो यहाँ ऊपर स लिखेंगे, फिर ड, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, क, क्या लिखेंगे, क, तो इधर से बस हो गया और इधर से सड़क हो गया। अब हमें ये किसका चित्र, कटहल, जो हमने पहले पढ़ा था हमारे आगे भी आया हुआ है, देखो ये रहा ऊपर चित्र, तो ये कटहल का चित्र, तो इसमें क आया हुआ है लास्ट में, तो क ट ह लिखा हुआ है, फिर लिखेंगे ल, कटहल। तो ये इस प्रकार हमें अपनी इस शब्द, जो शब्द सीढ़ी है, शब्द सीढ़ी है, उसको पूरा करना है। इस प्रकार हमें बार बार मात्रिक के एक शब्द, एक वर्ण के, दो वर्ण के, एक वर्ण तो वर्ण का ज्ञान करना है पहले, फिर दो वर्णों को पढ़ना है, फिर तीन वर्णों को पढ़ना है, फिर हमने अभी आज चार वर्णों को पढ़ा। इस प्रकार आपको बार बार पढ़कर अभ्यास करना चाहिए। धन्यवाद।